समय है और अब हम बढ़ेंगे बिक्री की जानिब और बात करेंगे, आज 5 जनवरी है और आज कश्मीरी हक खुद इरादियत का दिन मना रहे हैं। दुनिया भर में ये दिन मनाया जा रहा है और हसन, मैं ये बात करूंगी कि रस्मी तौर पर कश्मीरी से यकजहती का दिन मना लिया जाता है, लेकिन ज़रूरत किस बात की है, हमें उस तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। मकबूजा व आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आबाद कश्मीरी आज यौम हक खुद इरादियत मना रहे हैं, जबकि इस मौके पर मुल्क भर में मुख्तलिफ तकारीब, सेमिनार और रैलियों का इनेकाद किया गया है। इस्लामाबाद में मुनक़िद कश्मीर से मुतालिक बैनुल अक़वामी पार्लिमानी सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग और शनाख्त है, कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे और बैनुल अक़वामी इदारों की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराते रहेंगे। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में नज़रबंद हुर्रियत क़यादत की जानिब से इस मौके पर जारी बयान में कहा गया है कि 5 जनवरी का दिन कश्मीरियों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है और अब अक़वामे मुत्तहिदा के करारदादों पर अमल दरामद का वक्त आ गया है, लिहाजा भारत को चाहिए कि इन करारदाद पर अमल करते हुए मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक हल करे। वाज़ेह रहे कि 5 जनवरी 1949 को अक़वामे मुत्तहिदा ने करारदाद मंजूर की थी, जिसमें कश्मीरी अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक को तस्लीम करते हुए उन्हें हक़े खुद इरादियत दिलाने का वादा किया गया था। जी हाँ, आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, एक अज़्म के बजाय रस्म के तौर पर हम इसको मना रहे हैं। आप मलिक आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं न्यूयॉर्क से, खुद भी कश्मीरी हैं, कश्मीर की आवाज़ को पूरी दुनिया में बुलंद भी करते हैं। अच्छा मलिक आबिद साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका, लेकिन जो बात मैं आपसे पहला सवाल रखना ये चाहूँगा, आज जो हक़ खुद इरादियत का दिन मनाया जा रहा है, ये तो रोने का दिन है कि 1949 में ये करारदाद मंजूर हुई और आज 2016 आ गई और स्टिल हम इस पर लटके बड़े हैं, इंतज़ार में बैठे हैं कि जनाब इस करारदाद पर अमल दरामद हो। मलिक आबिद साहब, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं? वालबन कोई टेक्निकल इशू है, लेकिन नाज़िन क्वेश्चन सिर्फ एक है, मलिक आबिद साहब आप आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है जनाब। ऑलराइट, मेरा सिर्फ सवाल है आपसे कि आज जो हक खुद इरादियत का दिन कश्मीरी मना रहे हैं या हम मना रहे हैं, ये मनाने की बात नहीं, ये तो रोने का दिन है कि 1949 में एक करारदाद मंजूर हुई थी और आज 2016 आ गया और अभी तक कुछ पता नहीं कि इस करारदाद पर अमल दरामद कब होगा। देखिए बात यह है कि ये मनाने का तो एक रिवाज पाकिस्तान में हमने बहुत देखा है, बहुत चीजें मनाई जाती हैं जिनको नहीं करना होता, जो काम नहीं हमने अंजाम तक पहुंचाने होते उनके दिन मना लेते हैं। कश्मीर को पाए तकमील तक, उसकी तहरीक को या आज़ादी को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए अभी तक पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट ने कोई सॉलिड इकदाम नहीं किया। मैं आपको छोटी सी मिसाल ये देता हूँ कि आज 69 ईयर्स हो गए हैं इस बात को, इस करारदाद को, और उसकी करारदाद अगर आप पढ़ें रेजोल्यूशन नंबर 5/1196 ऑफ 5 जनवरी 1949, उसकी किसी एक क्लॉज पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। उससे पिछली जो करारदाद थी जो 1948 13 अगस्त को हुई, उसमें भी किसी करारदाद की किसी रेजोल्यूशन को किसी उसको उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। मुझे एक बात नहीं समझ आती है कि किस तरह ये पाकिस्तान के अवाम को, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स बेवकूफ बनाती हैं। ये कश्मीर कमेटी का हाल देख लीजिए, कश्मीर कमेटी के 150 मेंबरान हैं, उनमें से आज तक 3 साल हो गए हैं कश्मीर कमेटी का कोई इजलास नहीं हुआ। उसमें किस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कश्मीरियों की नुमाइंदगी करेगी, कश्मीर के लिए बाहर ले जाके जो बातें करती है। बहुत शुक्रिया आपका मलिक आबिद साहब, कुछ टाइम की कमी है लेकिन आपने कश्मीर कमेटी के इजलास का जिक्र किया, तो 2016 में 3 इजलास हुए थे और 18 करोड़ रुपया उन इजलास की लागत आई थी। वैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब को अंग्रेजी भी नहीं आती कि वो पूरी दुनिया में जाकर अपना कोई मुकदमा लड़ सकें। बहरहाल कश्मीर कमेटी के किरदार पर बात करना महज अपना खून जलाने के मुतरादिफ है। जी हाँ, और बिग फोर की जानिब बढ़ेंगे और बात करेंगे चीन और अमेरिका के ताल्लुकात की, जो बहुत ज़्यादा कशीदा होते जा रहे हैं। आपको बताएं कि चीन ने अमेरिका को बहिरा जनूबी चीन से दूर रहने की वार्निंग दे दी है। G20
چینی بیان امریکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے بعد سامنے آیا ہے۔ امریکی عسکری میگزینز اور میڈیا رپورٹس میں کہا جا رہا تھا کہ چین کی بڑھتی طاقت کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ دنیا بھر میں اپنی عسکری انسٹالیشنز کو بڑھائے گا، جس پہ خاص طور پر بحریہ جنوبی چین کو فوکس کیا جائے گا۔ امریکی رپورٹس پر چینی رد عمل میں کہا گیا ہے کہ امریکہ بحری جنوبی چین میں اسلحے کی تعداد میں اضافے سے باز رہے، امریکی عمل چینی مفادات کے لیے خطرہ سمجھا جائے گا، جس کا بھرپور جواب دیں گے۔ چینی دفاعی اکیڈمی کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ امریکی فوج بحیرہ جنوبی چین پر تسلط کے لیے نئے حربے تلاش کر رہی ہے۔ ہم یو ایس ایس کار ولسن بیڑے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بیڑا صرف مشقوں کے لیے آیا ہے یا طویل قیام کے لیے، سب پر ہماری نظر ہے۔ چین کی موبائل آرٹلری یونٹس کی تعیناتی کا مقصد کسی بھی مداخلت سے نبٹنا ہے۔ چین اور امریکہ میں بحیرہ جنوبی چین میں عسکری تنصیبات کے مسئلے پر حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف روس نے فلپائن کو امریکی اتحاد سے نکلنے پر دوستی اور ہتھیاروں کی فراہمی کی آفر دے دی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بڑی اہم خبر ہے، اور کل کے بگ سیون میں ہم نے جو ساؤتھ چائنا سی ہے اس کا تفصیلاً ذکر کیا تھا۔ اس کا مسئلہ کیا ہے، امریکہ کا اس میں انٹرسٹ کیا ہے، کون سا ملک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں سارا مقدمہ لے کر گیا، اور چائنا اس پر کیا لیتا ہے۔ لیکن جو اصل بات یہ ہے، جو سمجھنے کی ہے، کہ چائنا اور امریکہ، ان دونوں کے درمیان معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم چائنا، امریکہ اور رشیا کے درمیان تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں۔ ابھی اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ماسکو میں جو گزشتہ دنوں ایک سیشن ہوا ہے، جس میں روس، چائنا اور پاکستان شامل تھا، جس میں افغانستان کے قیام امن کے حوالے سے بہت سیر حاصل گفتگو کی، اور اس کی بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ماسکو میں طالبان کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے اس سیشن کے اندر، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ نیگوسیشن کرنی ہے، کیونکہ داعش کو اگر ختم کرنا ہے تو طالبان کو آگے لانا ہوگا۔ امریکہ جو کہ ریلیونٹ ہے اس میں اور موجود ہے، ساری اس کی فوجیں، اس کی کٹھپتلی حکومت ادھر موجود ہے، وہ اس کا بیچ میں کہیں تذکرہ نہیں تھے۔ امریکہ کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پائی جاتی ہے، اور ڈیولپمنٹ بہت بڑی بڑھ رہی ہے کہ طالبان کی حمایت ماسکو نے کر دی، روس نے کر دی، جو کہ اس کو ٹکڑے کرنے کا باعث بنے تھے۔ تو اب جو ہے نا پاور پولیٹکس ہو رہی ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ پاور پوائنٹس اب تبدیل ہوں گے۔ جی ہاں، بھی فائیو کی جانب بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک۔ سٹے ٹیون۔